था, हमें टॉप टू टीम्स में यही दो टीम देखने को मिलेगी, इट्स गोना बी टीम एक्सो एंड टीम हाइड्रा, एंड आई बिलीव ये प्रेडिक्शन थोड़ी बहुत सही होते हुए नजर आ रही है। जी हाँ बिल्कुल। अब यहां से ESN Ignite एक प्लेयर बचे अकेले जो कि अपनी टीम के लिए कुछ पॉइंट्स निकालना चाहेंगे, जो कि अपनी टीम के लिए कुछ फिनिशर्स बटोरना चाहेंगे, क्योंकि अब अकेला प्लेयर, या तो देखिए आप दोनों टीम्स को फाइट लेट ली, यहां से फिनिशर्स बटोरने के आगे बढ़ जाइए, टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करेंगे। नाइट उन फिनिशर्स को चूज करने वाले प्लेयर को स्पॉट किया एंड गलती कर दी, क्योंकि डेंजर व्हाट वाज दैट रिफ्लेक्स, तुरंत पीछे मुड़ेंगे एंड स्प्रेस भी कनेक्ट करनी शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ स्पॉट किया, स्पॉट के साथ स्प्रेस भी देना शुरू कर दिया। सो मैं तो एक चीज बोलूंगा, आई एम प्रीटी इंप्रेस्ड बाय दिस प्लेयर, आई एम प्रीटी प्रीटी इंप्रेस्ड बाय दिस प्लेयर, जिस तरीके से ये प्लेयर खेल रहा है, मैं एक चीज बोलूंगा डेंजर सुप्रीमेसी मुझे दिख चुकी है इस प्लेयर के पूरे मैप के ऊपर। के सारे टीम एक्सो के प्लेयर्स काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आने, इसी चीज की बात कर रहा था। टीम एक्सो मैन एडवांटेज है, उनके आईजीएल प्रेजेंट है, हर कुछ है, अब इस टीम को हराना काफी ज्यादा मुश्किल नजर आता है। विदाउट दोस आईजीएल, विदाउट दोस मैन एडवांटेज, अगर ये टीम टॉप थ्री में आ जाती है, तो जब इनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स है, सारे सामग्री है, तब ये टीम किस तरह से परफॉर्म करेगी। बढ़ता हुआ नजर आएगा, 26 मिनट ऑलमोस्ट खत्म हो चुके, 5th जोन, 28 मीटर जोन में जाना है इग्नाइट को, 30 सेकंड आपके पास बचे, लेट्स सी आप यहाँ से सरकमस्टेंसेस बदलते हैं। जी हाँ बिल्कुल, बट बात करते हैं हम यहाँ पे अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जस्ट लुक एट दिस, हीरोज की टीम ये पूरे तरीके से फाइट के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी है, लेकिन अब तक इनके पास फिनिशेस नहीं है, काफी देर से फाइट्स का इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है, लेकिन खाता नहीं खुल पा रहा फिनिशेस में। हीरो के गॉड को प्ले डाउन किया जाएगा, प्लेयर्स तो ऑलरेडी फिनिश अप हो चुके हैं, डेंजर की वो ग्रेनेड हीरो के प्लेयर्स 9 को प्ले डाउन कर देंगे एंड हाइड्रा पूरे तरीके से इस मैच को, इस फाइट को डोमिनेट करती दिख रही है, अभी एक पूरी की पूरी टीम को ऑब्लिटरेट कर चुकी है। सो नाउ आई वुड से जो प्रैक्टिस आपको डेंजर करते दिख रहा है वहां पे वो एक्चुअली काम आ रही है, डेंजर पूरे तरीके से यहाँ पे टीम को इस तरीके से लीड कर रही है, टीम फिनिशर से फिनिशर बटोर के आगे बढ़ रही है, पैसिवली नहीं जा रही है। हाँ टीम के पास प्लेसमेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, बट कैसे आ रहे हैं, खुद से सामने वाली टीम को पूरी तरीके से एलिमिनेट करके।